निकले। अरे कुछ ज्यादा हवा आ गया। तो यहाँ पे भी थोड़ा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, तो यहाँ से भी हम लोग जाएंगे अंदर। हाँ, तो कैमरा चालू कर नहीं सकते शायद, तो बंद कर रहा हूँ मैं, और कैमरा चालू करने मिला तो कर दूँगा। ओके, पहले दर्शन ले लूँ मैं। इतना मस्त लग रहा है यहाँ पे, देख लो। अभी छतरी खोलनी पड़ेगी शायद, छतरी खोल लेता पहले। अरे खुल 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 गया। तो गणपति जी का पहला तो आया, तो पहले गणपति जी का दर्शन ले लेते। देख लो तुम लोग भी, आ जाओ आने का, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। आ सकते। तो भी एक भाई को भी दे दिया है जगह। भाई ब्लॉग बना रहा, तो दिक्कत नहीं है ना भाई? नहीं, कोई वादा नहीं, डाल दिया ना ब्लॉग में। अच्छा, आप लोगों को तो पता ही, मेरी सीढ़ियों से कितना प्यार है। यहाँ पर भी सीढ़ियाँ चढ़ लेते, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो यहाँ, लेकिन छतरी खोलनी पड़ेगी वापस, ये छतरी खोलने का बहुत नाटक है। अभी चढ़ते सीढ़ियाँ, देख लो सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। चलो आ गया हूँ। पहले चप्पल निकल देते। तो खुद की सेवा खुद ही कर लेते। वाह, वो एग्जिट था, यहाँ से जाना है। चलिए अभी जाते, उसके बाद में आपसे मिलता हूँ। अभी मस्त यहाँ पर बैठा हूँ मैं, हो गया सब दर्शन कर लिए मैंने। कैमरा अलाउड नहीं है ना, इसके लिए बंद करके रखा था। तो यहाँ बैठे हो तो यहाँ पे मैं खुद का तो निकाल सकता हूँ, इतना तो है। तुम लोग एक बार हल्का झलक दिखा देता हूँ कैसा है बाबुलनाथ मंदिर। तुम लोग भी आ सकते हो ग्रैंड रोड में, वेस्ट में, वेस्ट में सीधे चलते जाना, तुम लोग को मिल जाएगा। किसी ना किसी को पूछते रहना, तो पता चल जाएगा। भवंस कॉलेज पूछना किसी को भी, तीन चार बार पूछना, तभी तुम लोग को सही रास्ता मिलेगा। कि मैं भी चार पांच बार तो पूछ ही चुका हूँ, तब जाके मुझे पता चला है। इतनी अच्छी कलाकृति है ना, देखो कितना अच्छा बना है। इतना सुंदर मंदिर है ना, एक ढंग का फोटो नहीं आ रहा है मेरे फोन से, मतलब मैं ही अच्छे से खींच नहीं पा रहा हूँ, क्या बोलूँ। यहाँ पे आया हूँ और ये फोटो नहीं ले रहा हूँ। बहुत मस्त बनाया वैसे मंदिर, जो कलाकृति है सब कुछ, जो स्तंभ है, जितने भी पिलर्स है, बहुत अच्छी तरह से वो बनाया हुआ है। मतलब निकाल लिया जितना वीडियो निकालना था, इतना काफ़ी है। और अभी जाता हूँ मैं, और ये ब्लॉग जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अभी देता हूँ मेरा चप्पल जो रखा है मैंने वहाँ पे, वो लेता हूँ और फिर घर पे जाता हूँ। नहीं है आने, भीख के फ़ोटो निकाला फिर भी नहीं है, तो चप्पल ले लेता हूँ। नंबर क्या था? 131 मिल गया। चलो फिर बोरा अपना तो ले लेते अभी। हर हर महादेव, शिव शंभो, शिव शंभो, भगवान चेहरी वाले बाबा की जय। ये 21 नालायक का काम है, देखो
यहाँ लिखा है गंदगी ना करे तो ना हटा दिया किसी ने, इतने बेशर्म कैसे हो सकता है कोई। यहाँ पे आपको सारी तस्वीरें दिख जाएगी जो मैं ले नहीं पाया हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे आने के बाद में। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्वच्छता रखिए। माँ की छाया सबसे अच्छी है। अभी लिफ्ट से जाते हैं। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और कुछ बातें समझी होगी जो अगर मैंने आपको कुछ कही है। तो खुश रहिए, सबके साथ प्यार बांटिए, क्योंकि प्यार जो है मुफ्त है। हर हर महादेव। बाय बाय। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस्कॉन मंदिर, जो कि यहाँ से बाबुलनाथ मंदिर से कुछ 10 मिनट की दूरी पे, 5 मिनट की दूरी पे, पास में ही है। तो वहाँ पे मैं जा नहीं पाया था क्योंकि बंद था उस वक्त, और अब बज चुके 4:30 बज के गए हैं। अब जाता हूँ वहाँ पे, दर्शन करता हूँ श्री कृष्ण के और माँ राधा के, फिर जाते हैं हम लोग घर। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, पैरों में दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा चल रहा हूँ। ऊपर से बारिश है तो घिस घिस के बोलते ना पैर का चमड़ा निकल गया, तो उस पर और ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मेरी स्लीपर भी टूट गई, मेरी चप्पल भी टूट गई, तो सिला भी नहीं सकते, इस स्थिति में हूँ मैं। खरीदने के बाद छोड़ो। तो ये मंदिर खुल चुका, पहले ये मंदिर में थोड़ा दर्शन लेते। तो द्वारकाधीश जी के भी दर्शन हो चुके हैं, अब जाते हैं इस्कॉन मंदिर। कितने बार बोल दिया मैंने? बहुत बार बोल दिया ना, चलो कोई बात नहीं, देखिए गाड़ियाँ रुक जाए तो अच्छी बात है, तो फिर जाने के लिए आसानी होगी। नहीं रुक रही है, चलो हम ही चल जाते हैं, रुक जाएगी अपने आप। रुक नहीं रहे थे ना, तो क्या कर सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसी कुछ चीज़ें अपने आप नहीं रुकती, आपको रुकाना पड़ता है। तो कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना सुंदर है। किधर जाने की जरूरत नहीं।